तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की? मैडम मैंने आपके साथ कहाँ बदतमीजी की, मैं तो आपकी। तो फिर ये क्या था, तुमने मेरी गाड़ी का गेट कैसे खोला? मैडम आप मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी, तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, अकेली लड़की देखा नहीं सड़कों पे, आ जाती हूँ मुंह उठा के छेड़ने के लिए। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप मेरी बात सुनो मैं आपको सब समझाता हूँ। आप समझाओगे क्या तुम? तुम्हारे जैसे लड़कों को ना बीच रोड पे चप्पलों से मारना चाहिए। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, उनके साथ करती हो ऐसी हरकतें घर जाके? देखिए मैडम आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मेरे घर वालों पर मत जाइए, आपको बात का नहीं पता है, एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए मैं आपको सब बता दूंगा। मैं ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, सुनेगी तो पुलिस, वही तुम्हें सबक सिखाएगी। अब इसमें पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? पुलिस तो मैं बुलाऊंगी, अब वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगी, समझे? लेकिन हेलो सर, सर इस रोड पे आप आ जाएंगे प्लीज, एक लड़का बहुत बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। ओके सर। जी मैडम आपने बुलाया? सर ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, पहले तो इसने मेरी गाड़ी का गेट खोला, फिर दुपट्टा भी पकड़ रहा था ये। सर आप मेरी बात सुनिए, ये मैडम गलत समझ रही है। तुझे जो भी सुनाना है ना थाने में जाके सुनाइए, चल। हाँ सर इसे ले जाइए, इन जैसे लड़कों की वजह से ना हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, हर टाइम डर डर के जीना पड़ता है इनकी वजह से। सर आप मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं, आप एक बार मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। ठीक है बोल, क्या बोलना है तुझे? सर मैं इन मैम की सिर्फ हेल्प कर रहा था। अच्छा इस पोल पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, आपके पास एक्सेस तो होगा ना इसका, आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा रुको अभी चेक करता हूँ। प्रधान फार्म की सीसीटीवी की फुटेज भेजना। ठीक है ठीक है, आ गई। ये आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहे थे, उल्टा आपकी हेल्प कर रहे थे, आपका पल्लू गाड़ी से बाहर लटका हुआ था, ये आपको वापस दे रहे थे, आपने बिना कुछ सोचे समझे इनको इतना कुछ सुना दिया और पुलिस का भी टाइम वेस्ट कर दिया। सॉरी सर। कोई बात नहीं सर। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, वो हम लड़कियों के मन में एक डर बैठ चुका है, तो ये सब देखा तो एकदम से गुस्सा निकल गया। मैडम यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, मेरी बेइज्जती हुई है, आपने मुझ पे हाथ उठाया है, सॉरी बोलने से ये सब ठीक तो नहीं होगा ना? फिर आप ही बता दीजिए ना मैं माफी मांगने के लिए क्या कर सकती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, अब मैं करूंगा। मतलब? अब हुआ हिसाब बराबर, पर आप जैसी लड़कियों की वजह से ना हम जैसे बेगुनाह लड़के फंसते हैं। मैं मानता हूं मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ये सोसाइटी बोलती है ना कि यहाँ पर सब इक्वल है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और जैसे आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना वैसे ही मैंने भी मार दिया, और इस थप्पड़ की वजह से आपको याद रहेगा कि अगली बार किसी को जज करने से पहले आप 10 बार सोचो।